दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग गोठा बांधे हैं, यही इसी तरह हम लोग गोठा बांधे। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा अभी देखिए आधा काटना बाकी है, थोड़ा मोजा बना लेता हूँ उसके बाद निकलता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हमें निकल रहा हूँ मराठी अपने क्षेत्र में और आज लास्ट बाकी है, थोड़ा सा बोझा बांधना है गेहूँ का, आज बांध देता हूँ दोस्तों, आज ही लास्ट है, इसके बाद कोई कटिया उटिया नहीं रह जाएगा। तो 7 बजने वाले हैं दोस्तों, देखिए बच्चे भी तैयार हैं, आज संडे है, इतवार इन लोग का भी छुट्टी है, कल मैं भी पापा चलूँगा। तो चलिए दोस्तों बाइक से चलता हूँ क्योंकि दूर जाना है 2-3 किलोमीटर और हम लोग निकलते हैं। तो आलू देख सकते हैं फोल लेंथ नाक में आ गया हूँ और अब चल रहा हूँ मराठी पे। आप लोग देख सकते हैं हमारा राजन युवा राजन है वहाँ पर और भूसा पे दोस्तों ये कटवा रहे हैं, नीचे काटेंगे तो भूसा बनाने के लिए दूसरे का खेत है, अब भूसा काट रहे हैं दोस्तों। यही है गांव की ज़िंदगी, आप लोग देख सकते हैं सारे लोग भीड़े हैं, हम भी लोग चल रहे हैं बोझा बांधने के लिए। अभी कोई दिख नहीं रहा है हमारे घर के, अभी लोग जैसे ही आते हैं तो हम लोग भी बांधते हैं बोझा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मराठी पे, 7:05 हो चुका है, अभी हमारे घर के लोग नहीं आए हैं, बच्चे नहीं आए, भाभी भी नहीं आई हैं, अब अकेले आ गए हूँ बच्चों को लेकर। अभी जैसे लोग आते हैं तब हम चलेंगे खेत में बांधने के लिए। अब देख सकते हैं पूरा ताल हम लोग का ख़त्म हो चुका है, हाथ से मशीन से रहे पर सब काट के ख़त्म कर दिए, सिर्फ 4 दिन में दोस्तों कटिया ही ख़त्म हो चुका है, एक और बाकी है, जैसे कि हमारा एक खेत अभी बाकी है और जैसे ही होता है दोस्तों तो हम लोग खेत पहुँचेंगे बनवाएंगे, फिर हो सकता है दोपहर की रात तक दमरी भी हो जाएगा उसका। चलिए बने रहिएगा। हाँ। चलो देख सकते हैं, देखिए ऊपर महुआ है, काफ़ी अब बीन के ले चले गए हम इनके मालिक, और थोड़ा सा बाकी है, एक ही का टपक रहा है, देखिए बच्चे बीन रहे हैं, कल मैं भी बीनूंगा 1 किलो आलू, देखेंगे। एक महुआ चुन रहे हैं, देखिए महुआ बहुत ज़्यादा कचट मोटरसाइकिल साइकिल से आते हुए, देखिए मराठी कल भी है, सब व्यवस्था है मंदिर पर, वहाँ भी कल है, घर से हम लोग 2 किलोमीटर दूर पर आए हैं। अभी भाभी लोग भाभी का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, 10 मिनट और इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं आते तो फिर घर चलता हूँ दोस्तों। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, कि एक देखिए यही हमारा खेत है, हाथ से गेहूँ काटा गया है, नहीं मशीन से कट गया था और दमरी हो गया था, घर के ही लोग काटे हैं, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक ये सब बांधना है, बोझा बांधना है, देखिए बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। ए और सब कहाँ रह गए ना, हम लोग आए हैं, अंश आया है, अंकुश आया है, हम लोग चल रहे बांधने के लिए, 2-4 बोझा बांध दिया जाता है, अभी उधर आधा काटना बाकी ही है। दोस्तों देख सकते हैं सुबह का 7:30 हो रहे हैं, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, देखिए पहला बोझा बना रहा है, अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, एक आए हैं, जैसे आते हैं तो हम लोग और तेज़ी से बांधेंगे, अभी तो आधा काटना ही रह गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला बोझा बांध रहा हूँ, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंतजार, देख सकते हैं दूसरा बोझा बना रहा है, भाभी भी आ चुकी हैं और देख सकते हैं बच्चे अभी 2-1 और बाकी हैं। आज हमारा वीडियो अंश बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं अंश, आप लोग देख सकते हैं दूसरा बोझा हम लोग बांध रहे हैं, आप देख सकते हैं भाभी हमारी उठा रही हैं, ये सातवां बोझा है, छोटा सा बोझा बना गया है, जाने वाला बोझा नहीं है, अभी जल्दी से थोड़ा सा और आ गया है, भाभी हैं और नीलू हैं, देख सकते हैं अभी देखिए कितना टाइम लगता है, काटना भी है और पौने 8 हो गया दोस्तों, अभी और टाइम लगेगा हम लोगों को, देखिए कितना टाइम लगता है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप वीडियो हमारा अंश बना रहे हैं क्योंकि आज उनका छुट्टी भी है, आज सवार है, आज आप देख सकते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, छोटा लास्ट लग गया है, बगल में सरसों का उठा गया है, आप देख सकते भाभी हैं, ये बहुत बाबू देखा भाभी देखिए पसंद कर रहे हैं बहुत दोस्तों, नीचे माटी जो है बहुत चोट हो चुकी है और चप्पल में पहना जाए तो चोट ही लग जाएगा दोस्तों, ना ये तो दोस्तों अभी हम लोग बोझा बांध रहे हैं, बहुत सस्ता बोझा बांधना पड़ रहा है, दो लोगों को लगता है बोझा बांधेंगे, आप देख सकते देखिए हम कैसे बोझा बांधते हैं, सब घर के ही हैं, देख सकते हैं बोझा ऐसे हम लोग बनाए चप गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम पाँच के बोझा भाई, 6 किलो कौन है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 8 बोझा हुआ है, अगर उतना कटा होता तो 2-1 बोझा और बढ़ जाता। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, देख सकते हैं बगल में चिकनी मिट्टी है, ये देखिए चूल लिपने के लिए नीलू निकाल रही है,
हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो देख दोस्तों, गांव में चूल को लीपा जाता है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा माटी है, सब चिकनी मट्टी है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ अंकुश है, रिसिया गया है, कह रहा मुझे नहीं वीडियो बनाने के लिए दिए हैं, अंश को दे दिए हैं वीडियो बनाने के लिए। अब बाबू हमारा रिसिया गया है, देख सकते हैं, आज स्कूल नहीं है, कितना ज़्यादा देखिए कैसा चेहरा बना रखा है। देखिए काफ़ी आप लोग से विनती है, कैसे किसी तरह से हंसा दीजिए आप लोग, बहुत रिसिया बेटा हमारा है, आंस वीडियो बना रहा था इसलिए रिसिया। तो दोस्तों अब चलिए, मैं इसी साथ अब चलता हूँ, देख सकते काफ़ी बोझे हम लोग बांध दिए हैं, 10 बोझा हुआ है। तो इसी साथ तो अब मैं ब्लॉग बंद करता हूँ अपना, अब एक नए ब्लॉग में नए जोश साथ फिर से मिलता हूँ।